जेई एडवांस के पेपर का पैटर्न हर साल पूरी तरह से बदल जाता है, यहां तक कि जो एस्पिरेंट एग्जाम देने जाते हैं उनको मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में जब वो पेपर खोलते हैं तब तक ये पता नहीं होता कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम ही पता चलता है कि पेपर कितने मार्क्स का है और क्या इसमें आने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, क्या ऐसे में पॉसिबल है कि हम ये प्रिडिक्ट कर पाए आने वाले जेई एडवांस का करेक्ट पैटर्न क्या होगा? इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपकी जेई एडवांस की प्रिडिक्शन एबिलिटी और ओवरऑल प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त बूस्ट करेगा, और साथ ही जो मैंने प्रॉमिस किया था हमारी फैमिली को 1 मिलियन सब्सक्राइबर का बनाने के लिए आपके प्यार और मोहब्बत से जहां तक हम पहुंचे हैं, इस खुशी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लाने वाले हैं, एक नहीं दो सरप्राइज लाने वाले हैं, जिसमें से एक सरप्राइज द काइंड ऑफ एकेडमिक रिसोर्स आई एम गोइंग टू रिवील इन दिस वीडियो ओनली। सो लिसन वेरी केयरफुली अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ जेई एडवांस, चाहे आप 22, 23, 24 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारी फिजिक्स गैलेक्सी का टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो @t.me/physicsgalaxyworld, क्योंकि इस पे जो अब लगातार रीडिंग रिसोर्सेज और ब्लैकबोर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जेई मेन और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी उतने ही पावरफुल हैं। डू नॉट मिस आउट, फॉलो द गाइडलाइंस एंड कंटीन्यूअसली कीप ट्रैकिंग ऑन व्हाट इज बीइंग पोस्टेड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई एडवांस के पेपर में किन कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। जेई एडवांस के पेपर का हर क्वेश्चन इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन होता है कि वो आपके ब्रेन की 5 में से 1 एबिलिटी को जज करता है। जिन एबिलिटीज की कैटेगरीज हैं, सबसे पहली थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जो मोर देन वन चॉइस बेस्ड कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपकी डीप थ्योरी नॉलेज को जज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को जज करने के लिए, हर साल क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं जो नॉन लविंग कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, जो जज करते हैं आप कितना कॉन्फिडेंटली इन कैलकुलेशंस को करके फाइनल रिजल्ट को निकाल के आंसर को मार्क करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। आपकी रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप इंस्टेंटली क्लिक करके क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ेंगे, वेयर एज आपका कॉम्पिटिटर उसमें ट्रैप होकर 10 से 15 मिनट खराब कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक्सपेरिमेंटल और ग्राफिकल एनालिसिस ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसमें यह जज किया जाता है कि एक गिवन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में आप कितना इन्वॉल्व होके माइंड में एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करके सिचुएशन को हैंडल करके आंसर को मार्क करते हैं। और लास्ट कैटेगरी होती है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जिसमें यह देखा जाता है आप कितना डीपली गिवन सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पिछले अगर 15 सालों के पेपर को देखा जाए तो इन्हीं 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस भरे हुए हैं, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिट होता है। अब मैंने क्या किया, आई एम टेलिंग यू वन फैक्टर विच हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट इन पास 3 मंथ्स ऑफ टाइम। लगभग 30-40 स्टूडेंट्स ने बहुत जबरदस्त अपने आप को एनहांस किया है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस फैक्ट विद ऑल ऑफ यू। मैंने सबसे पहले पिछले 15 सालों के जितने जेई एडवांस के पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चंस को इन 5 टाइप ऑफ एबिलिटीज में डिवाइड किया, उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल गए, हर कैटेगरी में हर टाइप के क्वेश्चंस भी मिल गए। नाउ इसके बाद इन क्वेश्चंस को वापस से मर्ज किया और मॉडल्स डेवलप किए। अब ये जो मॉडल्स हैं आप इनको मॉडल पेपर भी कह सकते हैं या मॉक पेपर भी कह सकते हैं। इन मॉडल्स की खास बात यह है कि इन मॉडल्स में एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट है, दूसरा हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन हो, चौथा मैट्रिक्स मैच हो, पांचवा फिर से सिंगल चॉइस करेक्ट हो। इन मॉडल्स का पर्पस यह है क्योंकि ये पीवाईक्यू से ही बने हुए हैं तो स्टूडेंट्स की सारी एबिलिटीज को टॉगल करने में हेल्प करते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपके दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं। जब मैंने स्टूडेंट्स को 15-20 मॉडल्स अटेम्प्ट करवाए तो उसका नतीजा यह हुआ कि उनको जब अलग अलग तरह के जेई एडवांस के मॉक पेपर्स दिए तो चाहे पैटर्न कैसा भी, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग 3 महीने में बिल्ड हो गई थी कि वो हर पेपर को एक अच्छे लेवल पे हिट करने लग गए थे और उनकी जेई एडवांस की ऑल इंडिया रैंक गेन करने का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस द एकेडमिक सरप्राइज आई एम ब्रिंगिंग टू ऑल ऑफ यू। दीज पीवाईक्यू मॉडल्स आर नाउ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ बुक, लेकिन वो बुक पब्लिश होके प्रिंट होके आपके हाथों तक आने का 22 के स्टूडेंट्स के लिए टाइम नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन फॉर्म ऑफ ई बुक फिजिक्स गैलेक्सी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। फॉलो दी पाथ जेई एडवांस एंड देन पीवाईक्यू मॉडल्स, इसके अंदर ये मॉडल्स पूरे अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। आपको हर मॉडल पे 1 घंटा डिवोट करना है, फिर सॉल्यूशन में आप इसकी डिटेल डेप्थ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आई कैन
टेल यू वेरी क्लियरली एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार किए होंगे. हर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये मॉडल्स ऐसे बनाए गए हैं कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज कि कई क्वेश्चन करे हुए होने के बावजूद क्लिक नहीं हो रहे और वो क्लिकिंग एबिलिटी ये मॉडल्स आपकी जज करेंगे. डू नॉट वेट, इमीडिएटली डाउनलोड पीजी मोबाइल ऐप एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग पीवाईक्यू मॉडल्स. और कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना ये सरप्राइज आपको कैसा लगा. लॉट मेनी मोर थिंग्स आर कमिंग अप फॉर जेईई मेन, जेईई एडवांस एंड नीट एस्पिरेंट्स. और दूसरा surprise be within a day coming up to you. That is another revolutionary thing and a surprise for all of you. Wish you all the best.